यहाँ से भी ऊपर के लिए चढ़ा जा सकता है। उसे गांधार दोस्तों, हम लोग आज आ चुके थे डोडरेपाल वाटरफॉल के लिए। तो गाइस, हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को और हम लोग भी मिचनार पहाड़ी को देख के घर की ओर जाएं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, हम लोग आप लोगों को ले जा रहे हैं मिचनार पहाड़ी की ओर। बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। अभी लगभग हम लोग 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। ये देखिए, ये रायकोट है, यहाँ से मिचनार पहाड़ी की ओर जाने का रास्ता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा रोड खराब हो चुका है गाइस। दोस्तों, एक लाइक तो बनता है यार, जो इतना मेहनत कर रहे हैं भाई लोग। तो ज़रूर इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आइए चलते हैं मिचनार पहाड़ी की ओर। तो माय ब्लॉग चैनल SVN07 के साथ जुड़े रहिए, दिखाते हैं मिचनार पहाड़ी। दोस्तों, आप लोगों को बस्तर आने के लिए सबसे पहले जगदलपुर आना होगा। यहाँ पर आने के लिए आप लोगों को रेल मार्ग, हवाई मार्ग से और बस सेवा भी उपलब्ध है, और यहाँ पर बेझिझक आके घूम सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल मौजूद हैं। आप लोग यहाँ का नेहगरा, चित्रकूट वाटरफॉल, तीरथगढ़ वाटरफॉल, कैलाश केव और डोकल गणेश दंतेश्वरी टेम्पल भी घूम सकते हो दोस्तों। यहाँ पर घने घने जंगल, हरियाली, खेत और बस्तर का नज़ारा देखने लायक बनता है। यहाँ का कल्चर और बस्तर का आदिवासी गीत और ट्राइबल मार्केट भी देखने लायक है दोस्तों। यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए और यहाँ पर विजिट कीजिए। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गाय रोड में आ चुके हैं। सो गाइस, गांव वाले अभी गाय चराने के लिए लेके गए थे होंगे शायद। आप लोग अभी देख सकते हो यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा गांव और यहाँ स्कूल बनी हुई है। देखिए नज़ारा, चारों ओर पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर खेत खलियानों और मेड़ भी पत्थर से ही बना हुआ है भाई। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा पत्थर है। यहाँ पर स्कूल बने हुए हैं, देखिए बहुत प्यारा सा स्कूल और बाउंड्रीज बना हुआ है गाइस। हम लोग अभी चलते हैं मिचनार। दोस्तों, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मिचनार पहाड़ी। आप लोग देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। ये देखिए भाई, यहाँ का पहाड़ी और यहाँ का ब्यूटी देख सकते हो आप लोग। ये मंदिर का दृश्य है जो नज़र आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर छोटे छोटे दुकानें लगी हुई, ज़रूरतमंद चीज़ें इन दुकानों में मिल सकती है दोस्तों। सबसे पहले आइए मंदिर का दर्शन करते हैं दोस्तों। ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति है, बहुत प्यारा सा। आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे मटकों से बना हुआ ये मंदिर, बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है दोस्तों। यह नेचुरल पानी है, यहाँ से पाइप के माध्यम से नीचे की ओर गिरता है। ये देखिए, प्यारा सा सीढ़ी बना हुआ है मंदिर चढ़ने के लिए। यहाँ पर नंदी भी विराजमान है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर शिव जी का शिवलिंग स्थापित किया गया है, देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा मंदिर। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है दोस्तों। ये देखिए, बजरंगबली भी विराजमान है। यहाँ पर सभी प्रकार के देव देवताओं की मूर्ति मिलेंगे, आप लोग देख सकते हो। हम लोग अभी पहाड़ी की ओर ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट कटवा के हम लोग को पहाड़ी का ट्रैक स्टार्ट करना है दोस्तों। यहाँ पर भी देखिए, प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। वीडियो में बने रहे, हम लोग को टिकट भी मिला है। आने से पहले आप लोगों को पर्ची कटवाना होता है, हर पर्सन का 10 रुपया प्लस बाइक का भी 10 रुपये लिए यार। यहाँ तो हर जगह पैसे ही लिया जा रहा है। हम लोग अभी चढ़ाई कर रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए, यहाँ का नज़ारा देखते हैं।
ये आप देख सकते हो चढ़ाई कितनी मुश्किल है यार। धीरे धीरे चढ़ रहे हैं पहाड़ की ओर, बहुत ऊपर चढ़ाई करना है, इधर जाना है। अमनी माता मंदिर और गुफा जाने का, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर और गुफाएं मौजूद है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए, ये गुफा नंबर 2 है, बहुत अंधेरा है भैया, यहाँ पर जा नहीं सकते भैया। यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इतना घनघोर जंगल है, ये पहाड़ी का ऊपरी भाग का हिस्सा है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है भाई। ये देखिए, इधर कहाँ जाओ ना, हैं कहाँ जाओ भाई, ऐसा लग रहा है मानो हम लोग किसी गुफा में घुस के भटक गए हो। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है भाई, ऐसा लग रहा है मानो हम किसी भूत बंगले में यहाँ के फंस गए हो। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर बड़ी बड़ी गुफाएं मौजूद है, डरावना सा लगता है भाई। ये देखिए, चारों ओर पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। हम लोग अभी कामिनी देवी माता मंदिर पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हो ये मूर्ति के पीछे, आप देख सकते हो बहुत बड़ी गुफा है, बहुत अंधेरा नज़र आ रहा है। दोस्तों थोड़ा सा थकावट लग रहा है यार, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो हम लोग कितना नीचे से ऊपर की ओर अभी पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत जगह है यहाँ का, ये देखिए, ऐसा लग रहा है मानो हम लोग किसी हॉलीवुड मूवी में एंट्री कर चुके हो। परेशानी हो रहा है, दोस्तों इतना दूर आने के बाद अभी कुछ भाई लोगों का ऊपर से आवाज़ आ रहा है, शायद उन लोग ऊपर की ओर हैं, हम लोग भी अभी ऊपर की ओर आगे जा के देखते हैं। हम लोग अभी सीढ़ी के चढ़ा रहे ऊपर जा रहे हैं भाई, वाह बहुत सुंदर है यार, आप लोग देख सकते हो पूरा पसीना हो गया यार। यहाँ पर पहाड़ी चढ़ने के बाद ऊपरी भाग का हिस्सा है, ऊपर बढ़िया समतल है, बहुत सुंदर है, आप और यहाँ के घूम भी सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सा ये मिशनार पहाड़ी वाकई में इसमें जन्नत है भाई, इन पत्थरों को देख के ऐसा लगता है। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा, ये लोग दूर दूर से देखने आते हैं, हम लोग उस रोड से इधर से आए हैं सीधा, ऊपर से नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, क्या खूब है। हम लोग अभी ऊपरी भाग से नीचे उतर रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हो बहुत डेंजर जगह है भैया, देखिए यहाँ पर सीढ़ी लगा हुआ है, इस सीढ़ी के सहारे ही ऊपर चढ़ना है और नीचे उतरना है, पैर रखने में दिक्कत ही हो रही है। आप लोग भी यहाँ पर आके घूम सकते हो, यहाँ से भी ऊपर के लिए चढ़ा जा सकता है, आप वाकई इसमें जन्नत है भाई, अगर कहीं जन्नत है तो इस बस्तर में मिशनार ग्राम लोनीकोड़ा ब्लॉक में है। पत्थर एक दूसरे के सहारे ऐसा लग रहा है, देखिए पत्थर कितने टिका हुआ है भाई, देखिए ये भैरव बाबा का गुफा है, इसमें आप लोग देख सकते हो
हम तो टॉर्च लेके नहीं आए, इसलिए अंदर नहीं जाएंगे, डर लग रहा है। इधर घुसेगा अंदर। सो गाइस, आप लोग यहाँ पर घूमने आ सकते हो छुट्टियों के दिनों में, और यहाँ पूरा दिन आ सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोग यहाँ एक बार ज़रूर आइए। तो चलेगा वाकई में इसमें जन्नत है। आपको तो कैमरा में दिख रहा होगा, रियल में आके देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। माता जी का मंदिर है, हम लोग तो नारियल वगैरह लेके नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, सिर्फ प्रसाद के रूप में हमने चढ़ाए 10 रुपया। बस दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने नए नए जगहों में घूम के आप लोगों का घर में बैठे ही मनोरंजन करवाऊंगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक जल्दी पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगा, वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना यार, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों को इसी प्रकार नई नई जगह का दर्शन कराऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अगर आप वीडियो में नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस आपको इसी प्रकार मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, बाय बाय।